स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा किस राज्य में हुआ? ए बिहार, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। आंसर सी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन: पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के पीछे से टकराने के कारण अगरतला से आ रही 13,174 कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें कम से कम 15 यात्री मारे गए और 60 अन्य घायल हो गए। रेलवे ने मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न। ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए आइसलैंड, बी डेनमार्क, सी न्यूजीलैंड, डी आयरलैंड। आंसर ए आइसलैंड। एक्सप्लेनेशन: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2024 में आइसलैंड विश्व 163 देशों में सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर शीर्ष पर रहा है। भारत 116वें स्थान पर है। 2008 में सूचकांक शुरू होने के बाद से आइसलैंड लगातार 17 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। आइसलैंड के पास कोई स्थायी सेना, वायुसेना, नौसेना नहीं है, जिसके कारण उसकी शांति की रेटिंग बहुत ऊंची है। अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, ये किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी सिंधु, डी चिनाब। आंसर डी चिनाब। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया था और एफिल टॉवर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली है, जो भारत में कुनू राष्ट्रीय उद्यान KNP के बाद चीतों का दूसरा घर होगा। बता दें कि 17 सितंबर 2022 को MP के श्योपुर जिले में KNP में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न। वार्षिक मुस्लिम तीर्थयात्रा हज कहाँ होती है? ए काहिरा, बी मक्का, सी मदीना, डी जेरूसलम। आंसर बी मक्का। एक्सप्लेनेशन: दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई। 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। मुस्लिम श्रद्धालु सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में ग्रैंड मस्जिद में इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थस्थल काबा के चारों ओर घूमते हैं।